क्या हुआ, तू ठीक है ना? तूने कोई बुरा सपना देखा क्या? क्या देखा बता मुझे, क्या सपना देखा? पता नहीं वो अजीब सा सपना था या सच था या वो क्या था, पर मैं भाग रही थी, मैं बस भाग ही जा रही थी और फिर पर ये कैसा सपना था, इसका क्या मतलब है? ये सपना तूने पहले कभी देखा है? नहीं, आज तक ऐसा कोई सपना नहीं आया, पर फिर आज ही क्यों ऐसा सपना आया? एक नाग नागिन को डस रहा है, ये ऐसा सपना तो तभी आता है जब किसी को सर्पदोष हो या सर्पदोष मतलब सर्पदोष उस इंसान को होता है जिसके हाथों किसी नाग की मृत्यु हुई हो, या फिर क्या, या फिर कोई ऐसा जिसके सर पे अपने पूर्वजों का ऋण हो, उसे हमें चुकाना है और हमारे सपने में आके हमारे पूर्वज हमसे बात करना चाहते हैं, हमें कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तूने पहली बार ये सपना देखा है ना, तूने अपनी जिंदगी में कुछ अलग कुछ नया किया है क्या? पायल, ये पायल तूने अभी पहनी है, ये पायल मतलब नानी और नानी मतलब पूर्वज या फिर वो जो चले गए। अब सुन, पता फिर से तूने अपने सपने में क्या देखा था? मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक मूर्ति देखी थी, एक औरत की। कोई देवी थी? नहीं, वो देवी तो नहीं थी। तो फिर क्या थी? पता नहीं, वो एकदम डरावनी सी, वो एकदम अत्याचारी थी, बहुत डर लग रहा था मुझे, देवी तो नहीं थी। तो क्या कोई राक्षसी थी? राक्षसी क्या होता है? देख प्रार्थना, जैसे नाग नागिन होते हैं वैसे राक्षसी भी होते हैं, हमारे पूर्वजों के दुश्मन असुर थे। हमारे पूर्वजों की दुश्मनी कालकीय कबीला से थी, कालकीय मतलब असुर। लेकिन माँ, इस सपने का क्या मतलब हुआ? वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? पता नहीं, शायद धीरे धीरे वो भी हमारे सामने आ जाएगा, कोई संकेत आएगा और हमें हमारा जवाब भी मिल जाएगा। पर अभी हमें हमारे अगले इंतकाम की तैयारी करनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शादी तो अगले महीने होनी जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि शादी की सारी रस्में इस महीने के आखिर में शुरू करते हैं। हाँ श्योर, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हम दोनों इनकी शादी की शॉपिंग एक ब्रांड से करेंगे। हाँ, उनके पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और पता है, शगुन के नाम पे फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक ब्रांड ने एथनिक वेयर, सर्व वेयर, होम लैंसेज, चार्म ज्वेलरी, इन सब गिफ्ट आइटम्स पे 70% का डिस्काउंट दिया। इनके साइट पे जाके देखो और भी बहुत कुछ पता चलेगा। www.worldofek.com। और हाँ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने न्यू कलेक्शंस भी लॉन्च किए हैं, तो अनमोल और रुद्र की शादी की शॉपिंग हम वहीं से करेंगे। क्या बात है, बहुत देख के स्माइल कर रहे हो। समधन जो बनने वाली है हमारी। पहले भी तो समधन थी, तब तो इतनी स्माइल नहीं करते थे। मत बोलो तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी। अरे पर ये उर्वशी जी की बात ही अलग है। एक मिनट, पाताली जी सुनिए। क्या हुआ? मुझे आपसे बात करनी है। करो। देखिए, आप उर्वशी को समझा दीजिए, जिस तरह से मेरे पति से बात करती रहती है ना, ना करें। इन शॉर्ट, उस पे डोरे डालना बंद कर दे। क्या डोरे? मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, हम यहाँ पर सिर्फ अपने मणि का हिस्सा लेने के लिए आए थे। जैसा कि आपने कहा था कि अगर हम आपका साथ देंगे तो आप हमें हमारा हिस्सा दे देंगे, और आपके कहने के अनुसार ही रुद्र प्रार्थना को छोड़कर अनमोल से शादी कर रहा है। देखिए, जो भी हो, हमें हमारा हिस्सा चाहिए बस। Thank you.
कैसे हो रंजीत? हिस्सा मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता, जिस तरह से उर्वशी मेरे पति के आगे पीछे घूम रही है, मुझे नहीं लगता कि उसका बिल्कुल भी मन है हिस्सा देने का। ये दोनों आखिर बात क्या कर रही हैं? क्या बात कर रही थी वो तुमसे? वो कह रही थी कि तू उसके पति पे डोरे डाल रही है। What? क्या बकवास कर रही है ये संजना? उसके पति को देखा है? मैं तो उसको देखूं तक नहीं। क्यों? वो तो ठीक ठाक ही दिखता है, तेरी नजरों का दोष है। खैर छोड़ इन बातों को, लेकिन उसने तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं। मैंने कोई मैसेज नहीं किया उसे। ये दोनों मियां बीवी ना, मैं सच कह रही हूँ, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इन दोनों के साथ मैं सिर्फ एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये रुद्र के माँ बाप है और हमारे सारे राज जानते हैं, वरना मुझे इनको हिस्सा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो ना रंजीत, वो क्या है ना, वैसे तो कोई भी तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा नहीं देना चाहता, पर मैं देना चाहती हूँ। अरे उर्वशी जी, आपके और मेरे बीच में हिस्से की बात कहाँ से आ गई? वो क्या है ना रंजीत, देखो मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, इसीलिए मेरा जो कुछ भी है मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब बच्चे तो सारे बड़े हो गए हैं, सबकी शादियाँ हो गई हैं, सब अपना अपना घर बसाएंगे। अब अनमोल भी, अनमोल को तो मैंने अपनी बेटी जैसे माना है, वो भी शादी करके चली जाएगी, अपना घर बसा लेगी, फिर मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इसीलिए मैं सोच रही थी मैं तुमसे जरा अकेले में थोड़ी देर बात कर लूं। वैसे तो मेरी वाइफ मुझे आपसे बात करने नहीं देगी, पर आप उसकी टेंशन मत लो, आप जब कहोगी मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। रुद्र, वेट, रुद्र, यू नो ये सब हमारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हम तो उसे एक होने वाले हैं। यू नो रुद्र, अब ना मुझे मान लेना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरे साथ, I mean, तुम प्रार्थना से कितना प्यार करते थे ना। I'm really sorry. वो मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें उस समय छोड़ के चला गया। मुझे लगता था कि शायद मैं प्रार्थना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस प्रार्थना ने मेरी फैमिली की जान लेने की कोशिश करी। लेट इट बी रुद्र, यू नो जब तुमने मुझसे कहा ना कि तुम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ करना चाहते हो, मैंने ऋत्विक से अपनी सगाई का प्रॉमिस तोड़ दिया। चलो मेरे साथ। उर्वशी जी, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी वाइफ ना सुनते हुए मुझे ढूंढने आ जाएगी। See you. See you. सूंघ के तो तेरी मौत तेरा पीछा कर रही है रंजीत, अब मैं भी देखती हूँ तू अपनी मौत से कब तक और कहाँ तक भागता है। आइए, मुझे वो मणि चाहिए, मुझे इंटरनेशनल बायर्स मिले हैं, उन्हें बेचूंगी जो उस मणि की अच्छी कीमत देंगे, लेकिन हाँ उन दोनों को मैं उनका हिस्सा नहीं दूंगी। किसने कहा तुमसे कि हम उन्हें हिस्सा देंगे? नहीं देंगे, टू गुड पाताली, टू गुड। लेकिन मणि मिल क्यों नहीं रही है मुझे? तुम्हें वो मणि नहीं मिलेगी क्योंकि उस मणि के लिए एक योजना है मेरे पास। योजना? तुम उस मणि को उन लोगों को बेचना चाहती थी जो उसकी अच्छी कीमत देंगे? किसने कहा तुमसे कि मैं वो मणि बेचने वाली हूँ? देखो पाथली, उन दोनों बेवकूफों को उनका हिस्सा मिले ना मिले, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया है। लेकिन तू भी तो उस नागिन वन से थी ना, धक्के मार के बाहर उन्होंने निकाला था मुझे, याद नहीं है क्या? तुमने मुझे बचाया
और अब आप मुझे धोखा दो। अरे धोखा नहीं दे रही हो तुझे, मेरी बात एकदम साफ है, मैं वो मणि उन्हीं लोगों को बेचूंगी जो नाग वंश के कट्टर दुश्मन है, मेरे अपने लोग कालक्या वंश, मेरे अपने लोग, वो जंगली गांव वाले, हाँ, जो लोगों का कत्ल करते फिरते रहते हैं। यही तो उनकी पहचान है, चोरी चकारी लूट मार। जिन नागिनों ने इतने सालों से उस मणि की रक्षा की, उन नागिनों को हमारे वंश से बहुत तकलीफ थी। बरसों से हमारा वंश उस नाग वंश से नफरत करता आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। माना कि तुम उसी वंश की हो, उन्हीं में से एक हो, लेकिन तुमने तो उनसे मिलना जुलना कब का बंद कर दिया था, लेकिन अब अचानक से तुम्हें मणि उनको देनी है। कहां से लाएंगे वो इतने पैसे उस मणि के लिए, बोलो। अरे वो तो खुद दूसरों के पैसे लूटते। एक बार वो मणि हमारे कबीले के सरदार यानी कि हमारी सरकार को मिल गई ना, फिर मेरा वंश, मेरे लोग बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? फिकर नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी सारी मुसीबतों से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारा वंश, तुम्हारे लोग अचानक से यहां पता लिए। अरे तुम्हारे वंश के लोग ना इतने निष्ठुर हैं, पत्थर दिल, लोगों का बेरहमी से कत्ल करते हैं। हमारा कबीला, हमारा वंश, हमारे लोग, ये वही कबीला है ना जो झुंड में इकट्ठा एक साथ चलते, और तुम इनको मणि देने जा रहे हो। इनको मणि मत दो, अरे भूखी आत्माएं हैं, मणि के पैसे नहीं देंगे, सब कुछ निगल लेंगे, उगलेंगे कुछ नहीं। ए, चुप कर, चुप। मेरे लोगों की तो बुराई मत कर, अरे लाखों में एक है, तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना, थोड़ा सा इंतजार कर, वरना तेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा, वो मणि उनके पास चली जाएगी। आ रहे वो लोग। हमें इस घर के लोगों को बाहर भेजना होगा। ऐसे कैसे बाहर भेजना होगा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। अरे वो सीनियर और जूनियर नागिने हमारे ऊपर निशाना लगाए बैठी हुई है, अपने कबीले वालों के आने की खुशी में तुम सब कुछ भूल गई हो क्या? इसी मणि की वजह से हमारे इस शरीर में हमारी जान बची हुई है, वरना वो ना पर कब का वार करके जा चुकी होती, भूल गई हो? कुछ नहीं भूली मैं, सब कुछ याद है, इसका तोड़ है मेरे पास। इन तावीजों को देख रही हो, इन तावीजों को इस मणि से स्पर्श किया गया है। माना कि ये मणि नहीं है, लेकिन शक्ति के मामले में ये इस मणि से कुछ कम नहीं है। दे दो ये तावीज सभी लोगों को, तुम लोग जहां पर भी रहोगे ये तावीज तुम्हारी रक्षा करेगा। अब जाओ और घर वालों को बाहर भेजने की योजना बनाओ, जाओ। जहां तक हो सका मैंने घर के हर एक कोने में देखा, पूरे घर में मुझे ऋषभ कहीं नहीं मिले। क्या हुआ प्रार्थना? मैंने अनमोल और रुद्र को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा, पता नहीं दिल में बहुत दर्द हुआ, ऊपर से पापा भी नहीं मिल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। देख प्रार्थना,
मैं जानती हूँ तू रुद्र से बहुत प्यार करती है, पर अगर रुद्र भी तुझसे प्यार करता है तो वो वापस आएगा। तू फिक्र मत कर और तू अपने प्यार के लिए अपना फर्ज मत भूल। हमें अपना काम करना है। नागिन है हम, अपने बदले के लिए आए हैं यहाँ। हाँ, बदला तो मैं लेके रहूँगी, जो काम करने आई हूँ वो काम करके ही रहूँगी। पर रुद्र को जब भी किसी लड़की के साथ देखती हूँ तो बहुत दर्द होता है माँ। ये दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर रुद्र तुझसे प्यार नहीं करता तो अनमोल मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया ऋषभ सर से मिले हुए। सोच रहा हूँ एक बार जाके उनको देखा हूँ, उनकी ऐसी हालत देख के बहुत बुरा लगता है यार। काश मैं उनके असली गुनहगार को पकड़ पाता, जान ले लेता मैं उसकी। जब से वो हॉस्पिटल गए हम एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। रुद्र तो तुम तो उनसे मिल ही नहीं सकते ना, आई मीन हम लोग उनसे नहीं मिल सकते, वो डैड आईसीयू में है और आईसीयू में तो कोई भी अलाउड नहीं होता है ना। ओके, एक मिनट। हाँ नमन, हाँ मैं आ रहा हूँ, निकल गया मैं। ओके चलो मैं चलता हूँ अनमोल। रुद्र, रुद्र सुन बेटा, तू बाहर मत जा, प्रथा प्रार्थना दोनों ही बाहर है, कुछ भी हो सकता है। अरे मॉम, मैंने बोला ना मैं उन दोनों से नहीं डरता, और मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मुझे जाना होगा। ओके अब रुद्र, साथ में चलती हूँ ना फिर। अरे मॉम ने बोला ना बाहर बहुत खतरा है, तुम कैसे जाओगी, तुम कैसे सेफ रहोगी? हाँ रुद्र, कुछ भी हो, चाहे सेफ हो या ना हो, बट मुझे तुम्हारे साथ में रहना है हमेशा। ठीक है, मैं जाता ही नहीं हूँ ऑफिस। ठीक है, ऋत्विक तुम यहाँ? अब वो हम साथ। It's okay, Moon. अब मुझे तुम दोनों को साथ में देख के बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारी शादी भी नहीं हो रही। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, स्याली के लिए आया। And I hope तुम दोनों साथ में बहुत खुश होगे। वैसे ऋत्विक, to be honest, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि जो भी हुआ। नहीं यार प्लीज, ऐसा कुछ मत कहो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को साथ में देख के। मैं बहुत देर से दादी का नंबर मिला रहा हूँ, उनका नंबर नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता है कहाँ है वो? हाँ, वो किसी काम से शहर से बाहर गई है, शादी से पहले आ जाएगी। स्याली, तुम ऋत्विक के साथ डेट पर जाना चाहती थी ना, तो जाओ ना। देखो बाहर घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे को जानोगे, अच्छी बात है ना। पर मैंने कब कहा मुझे बाहर जाना है? अरे पर मैं कह रही हूँ, enjoy करो, go। नहीं नहीं, अभी मैं आप सबको invite करने आया हूँ एक नई जगह के लिए। आप रुद्र अनमोल प्लीज तुम दोनों भी आना, सच में बहुत मजा आएगा। पर क्या है वो जगह? एक प्राचीन काल की गुफा, और ये गुफा बहुत पुरानी है। मेरा तो काम ही है पुरानी और प्राचीन इतिहास को ढूंढकर सामने लाना, पुरानी गुफा के अस्तित्व को ढूंढना और उनको उजागर करना, आर्कियोलॉजिस्ट। और ऐसे ही हमने कुछ दिन पहले एक गुफा को ढूंढा है जिसके अभी हम द्वार खोलने वाले हैं। आप लोगों को पता है पुराने टाइम में पुराने लोग सब गुफाओं में रहते थे, जितने भी कबीले होते थे ना वो अपना डेरा बसेरा लेके गुफाओं में चले जाते थे। और ये सिर्फ गुफाएं नहीं है, ये हमारे देश का धरोहर है, और हमें हमारे देश के धरोहर को बचाना है और सबके सामने लाना है। आप लोग सब आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। टीबा बीबा, रुद्र अनमोल तुम लोग भी जाओ ना, रंजीत जी, संजना जी, आप लोग भी जाइए। हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। आओ पतिदेव, आ जाओ गुफाओं में, आओ आ जाओ, गुनाह कर लो, मैं भी आज उन्हीं गुफाओं में तुम्हारा हर पर्दाफाश करूंगी। रुद्र अनमोल, तुम दोनों को जाना चाहिए, बाहर जाओगे तो मूड चेंज हो जाएगा। अब रुद्र चलते हैं ना। प्लीज रुद्र, प्लीज कम। ओके, सो आई विल सी यू ऑल। या मैं अभी आया। अनमोल, आप सब लोग भी यहीं रुकिए। क्या? ये तावीज है तुम दोनों की रक्षा के लिए, इनफैक्ट तुम सब की रक्षा के लिए, उन दोनों नागिनों से। ये तावीज सारे नाग नागिनों से तुम्हें बचा कर रखेगी, कोई मामूली तावीज नहीं है।
नागमणि से स्पर्श किया हुआ तावीज है। रुद्र को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो शेष नागिन का पति है, पर तुम लोगों को जरूरत है। ये क्या है? घर से बाहर जा रहे हो, इसके बगैर नहीं जाना। ये तुम। रंजीत जी, ये तावीज आपकी रक्षा करेगी। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ पीछे पीछे। सियाली, तो मैं तुम्हारा गुफा में वेट करूंगा, तुम आ जाना। See you. Okay, I'll be there. सरदार, सरदार की जय हो। इतने सालों बाद सरदार के दर्शन। आइए सरदार, अंदर आइए। पाताली ने इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? तमस से बने, तमस के सेवक हमारे सरदार तमस का स्वागत करती है आज ये पाताली। देखिए ना, आपका भोजन तैयार है, बैठिए। मूर्ख, हम यहाँ भोजन करने नहीं आए हैं। तूने कहा था कि तुम्हें कोई अद्भुत चीज मिली है जिसका हमें इंतजार है। मिली है। कहाँ है वो? लेकर आती हूँ। जाओ लेकर आओ। अभी लाए। ये लोग यहाँ, मुझे पता लगाना होगा कि ये लोग कौन है और पाताली ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ये है वो चीज, अब तो मान गए ना इस पाताली को। हम ये मणि नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बिना पायल के इस मणि का कोई वजूद नहीं है। कहाँ है वो पायल जिसके अंदर वो रहस्य में घुंघरू है? किस घुंघरू की बात कर रहे हैं आप? किस पायल के बारे में बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आया। अरे मूर्ख, नागेश्वरी की पायल, वो पायल कोई साधारण पायल नहीं है। मंदिर के खजाने में मिली वो पायल। तुम्हें क्या लगा कि मैं खजाने की लालच में आया हूँ? नहीं, मैं खजाने की लालच में नहीं आया। हमें ये मणि चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वो पायल। वो खजाना सिर्फ उन देशद्रोहियों को चाहिए था। वो जो खजाना है ना, उन नागिनों ने मंदिर के अंदर रखा है। उसमें ना कोई घुंघरू मिली है और ना ही कोई पायल। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली वो पायल? हमें वो पायल चाहिए, हमें वो पायल चाहिए। जब तक वो पायल नहीं मिलेगी, सिंगी का इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगी। और जब तक एक पायल नहीं मिल जाती, हम दूसरी पायल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक सिंगिका के पैरों में वो पायल नहीं बंध जाएगी, वो मणि को लेकर हमारे कुल को वरदान नहीं देने वाली। लेकिन सरदार, उस पायल का राज क्या है? दोनों पायल हमारे कुल गुरु को मिल जाएगी तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगी। चलो सब। सरदार की बड़ी मुश्किल से ये नागमणि मुझे मिली और अब सरदार कह रहे हैं कि उन्हें वो पायल चाहिए। अब मैं वो पायल कहाँ ढूंढूंगी? इन्हें नानी की पायल क्यों चाहिए? और ये सिंगी का कौन है? मुझे माँ को ये सब बताना होगा। शायद माँ को पता हो। तो माँ है कहाँ?
घर का एक एक कोना देख लिया। ऋषभ को कहाँ छिपा कर रखा है इन लोगों ने? पापा का कुछ पता चला? नहीं, तुझे कुछ पता चला? पापा के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर पायल के बारे में कुछ पता जरूर चला है। नानी के पायल के बारे में क्या? माँ, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये सिंगी का कौन है? वो लोग किसी सिंगी का के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि सिंगी का ये मणि तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक उसे पायल ना दी जाए। सिंगी का ये इनके कबीले से कोई है क्या? कहाँ रह गए यार? ये उर्वशी जी नहीं आई अब तक? नमस्ते आंटी, आप लोग आइए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज कम। रंजीत! हाँ आया। मिसेस गुजराल आई नहीं अब तक। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे सबको ले आऊँ क्योंकि आज वो दिन आ गया। सिंगिका के बारे में कौन बात कर रहा था? वही लोग जिनको पाताली मणि दे रही थी, कबीले के ही लोग लग रहे थे। कबीला मतलब काल के वंश के लोग? हाँ, वो हमारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। उनका काम है दुनिया में कलह फैलाना। ये कबीले वाले राक्षसों की पूजा करते हैं और सिंगी का वो राक्षसी है जिनको ये लोग पूजते हैं। लेकिन इनको नानी की पायल चाहिए, मतलब सिंगी का उस पायल से कोई तो रिश्ता है। उस पायल से नानी के भी अतीत का कोई गहरा रिश्ता है। वो क्या है हमें पता करना है। इस पायल में कोई तो शक्ति है, मतलब कहीं ना कहीं इस कबीले और हम नागों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस पायल की जरूरत पड़ी है उन लोगों को। पर सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तुझे वो सपना क्यों आया था? इसलिए पूर्वज हमें बुला रहे थे कि जिस लड़ाई को उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे हम पूरा करें। नानी की पायल हमारे पास है, अब हमें इसकी रक्षा करनी है और इसकी कहानी का पता करना है। पर इसकी कहानी हमें कौन बताएगा? सिर्फ एक ही है जो बता सकते हैं, नागराज तक्षक। हेलो प्रार्थना, कहाँ हो? यहाँ पे रुद्र सब आ गए हैं गुफा। हाँ हाँ, हम बस पहुंच ही रहे। यार इस साली को हमेशा इतने अजीब ही लड़के क्यों पसंद आते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट है यार। अपनी साली को बड़े बड़े फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में जाने के बजाय तो ये हमें इस गुफा में लेकर आया है। क्या ये प्राचीन पुराने पिक्चर्स दिखा रहा है? पहले गुफा में चलते हैं, बाद में नागराज तक्षक को मिलने जाते हैं। मैं दूसरी तरफ से आती हूँ। वो मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुमने प्रार्थना को कभी सच्चा प्यार किया था क्या? बताओ ना। कैसे बताऊं कि मैं प्रार्थना से कितना प्यार करता हूं? तुम्हारे
कहाँ रह गई उर्वशी जी? इंतजार कर रहे थे मेरा? आज तो बहुत गजब लग रही है, आज तो मेरी जान ही ले लो कि जाने मन। वही तो लेने आई हूँ। उर्वशी नहीं, नागिन। हाँ, नागिन हूँ मैं। और जब एक नागिन जान लेने पर आती है ना, तो जान लेके ही जाती है। वो नागिन। मैं दिखाती हूँ तुम्हें नागिन कौन है। चक्कर चला रहे थे उर्वशी के साथ, मुझे धोखा दे रहे थे तुम। चंद्रा नहीं, मेरी बात सुन। क्या बात है रंजीत जी? अरे अभी अभी तो बड़ा हीरो बन रहे थे मेरे सामने, कह रहे थे कि आपकी बीवी ने आपका जीना आराम करके रखा हुआ। थोड़ी तो हीरोगिरी दिखाइए, लड़िए ना मेरे लिए। मैं बताती हूँ कैसे लड़ते हैं। तुम दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हुए देख के बहुत सुकून मिला। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया की खुशियाँ एक तरफ और पति को पत्नी के हाथ पिटते देखने की खुशी एक तरफ। मैंने कहा था ना ये नागिन है। क्या जल्दी है? हाजा, हाजा हमारे पास ये तावीज है। तुम दोनों हम दोनों का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 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 बताओ बताओ क्या करोगे हमारा? हाँ? तो अब हम क्या करेंगे माँ? हाँ प्रार्थना, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो इन्हें छू तक नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे हम? हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर इस गुफा में बहुत कुछ है करने के लिए। हम तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचा सकते, पर इस गुफा को तो चोट पहुंचा सकते हैं ना? हम इस पूरी गुफा को तहस नहस कर देंगे, ये पूरी गुफा ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और फिर तुम दोनों इस गुफा के अंदर दब कुचल के मिट्टी पलीत हो जाओगे। ऐसा हो सकता है ना माँ? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि तावीज इन्हें सिर्फ नागिन के वार से बचाएगी, पत्थरों के वार से नहीं। प्लीज, अब बचा रहे तुम, प्लीज। हाँ
माफ कर दो हमें प्लीज। प्लीज प्लीज रुक जाओ हमें जाने दो। माँ मुझे इन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इनके आंसुओं को देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ मुझे भी बुरा लग रहा है, एक काम करें इन्हें छोड़ देते हैं प्रार्थना। पर फिर इन्हें छोड़ दिया तो हमारा यहाँ आना, इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, तो नहीं किसी एक को तो मारना ही चाहिए। नहीं नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम दोनों में से पहला जो भी दूसरे का तावीज निकालेगा उसे हम छोड़ देंगे। हाँ मौत का डर भी कितना डरावना होता है ना माँ, जिंदगी भर के साथी एक दूसरे के जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। वो कहावत सही है, कहते हैं ना दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार गया, आज कुछ और कहे दो मूर्खों की लड़ाई में नागिनबाजी मार गई। अब तुम दोनों को हमसे कौन बचाएगा? अब होगा दोनों पर नागिन का वार, अब तुम्हारी जिंदगी मौत के पार। चलते चलते अचानक क्या हो गया? मैंने तेरी चीख सुनी, देखा तो तू कांप रही थी, क्या हुआ? माँ मैंने खुली आंखों से फिर से उसी काले सांप का सपना देखा। अब इन सपनों पर तो हमारा कोई वश है नहीं, अब बस एक ही है जो इस सवाल का जवाब जानता है, वहां चलते हैं। तुम दोनों के किसी भी सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो कौन जानता है? सिर्फ एक कालिया नाग।